Assalamualaikum everyone, this is Mohammed Muzammil Manaf from the platform YQ School of Finance. So BFD के area में हमने last video में weighted average cost of capital के बारे में discuss किया और उसकी कुछ illustrations की. Illustrations करने के बाद हमें ये पता चला कि WACC के पीछे further चार और components होते हैं, जिसमें market value of equity, market value of debt, cost of equity और cost of debt, ये सारी चीजें जो है वो बहरहाल शामिल होती हैं. अब जिन दो चीजों को हम यहाँ पे पिकअप करने वाले हैं, these are basically मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी. हम इनका मतलब समझेंगे, इनकी चंद एक इलस्ट्रेशंस करेंगे और फिर इसके बाद इवेंचुअली मार्केट वैल्यू ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ डेट के बारे में बात करेंगे. सो आइए डिस्कस करते हैं सबसे पहले मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को. सर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होती है? इक्विटी से मुराद मेरे शेयर होल्डर्स हैं जो मुझे ओवरऑल लेवल पे कंपनी को चलाने के लिए इक्विटी के फॉर्म में फंड्स प्रोवाइड करते हैं. इन शेयर होल्डर्स को चाहिए होता है रिटर्न, ठीक है? और रिटर्न के बारे में हमने अंडरस्टैंड किया है कि इक्विटी के केस में रिटर्न डिविडेंड के नाम से डिनोट किया जाता है. शेयर प्राइस भी बढ़ सकती है, जाहिर है शेयर प्राइस डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन में और प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन में बढ़ती है. तो अगर कल को कोई कंपनी किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने की वजह से डिविडेंड ना दे तो शेयर होल्डर्स कुछ शेयर्स को बेच कर पैसे कमा सकते हैं और वो डिविडेंड की एक निमूल बदल यानी कि रिप्लेसमेंट बन जाएगा. सो ओवरऑल लेवल पे हमें ये बात समझ आती है कि शेयर होल्डर्स को रिटर्न चाहिए होता है यानी कि डिविडेंड चाहिए होता है, ठीक है? और शेयर होल्डर्स हमेशा कंपेयर करते हैं वन कंपनी विद दी अदर कंपनीज ऑफ द इंडस्ट्री, विद दी अदर कंपनीज ऑफ दी इंडस्ट्री. इस तरह से कंपैरिजन ड्रॉ किया जाता है, सही? अब फॉर एग्जांपल वी हैव कंपनी ए. मैं एक बात करता हूँ कि यार एक कंपनी ए है, वो मेरे पास केमिकल्स के सेक्टर में ऑपरेट करती है, ठीक है? केमिकल सेक्टर में ऑपरेट करती है. केमिकल सेक्टर की जो दूसरी कंपनीज हैं सिमिलर कंपनीज, वो सिमिलर कंपनीज मोर और लेस यूं समझे कि अपने शेयर होल्डर्स को 15% के ऊपर रिटर्न प्रोवाइड कर देती है. तो यहाँ पे कंपनी ए के हवाले से भी अब जो शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस होगी वो एक्सपेक्टेशन यही होगी कि यार हमें भी 15% का रिटर्न जो है वो मिलना चाहिए. अगर ज्यादा डेट और गेयरिंग में बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, जो कि आगे हम गुफ्तगू करेंगे इसके ऊपर, तो मोर और लेस रूटीन एक्सपेक्टेशन यही होती है कि यार 15% हमें भी यहाँ पे रिटर्न मिलना चाहिए. अब अगर हम मार्केट वैल्यू को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि यार एक शेयर की मार्केट वैल्यू को अगर हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें तो एक शेयर की मार्केट वैल्यू है क्या? शेयर की मार्केट वैल्यू बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही होती है एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स को. ये रिप्रेजेंट कर रही होती है एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स को, यानी मैं कंपनी की तमाम जिंदगी की तमाम फ्यूचर अर्निंग्स की अगर आज प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं तो वो प्रेजेंट वैल्यू क्या बन जाएगी? वो शेयर की मार्केट वैल्यू बन जाएगी. यानी अगर मुझे ये नजर आता है कि फॉर एग्जाम्पल आज कंपनी ए डिविडेंड दे रही है ₹10,000 पर एनम, साल में एक दफा डिविडेंड आता है ₹10,000 का आता है, एंड दिस विल बी कंटिन्यूड कॉन्स्टेंट डिविडेंड, ये कॉन्स्टेंट रहेगा हमेशा हमेशा के लिए इन परपेचुटी. सर ऐसे क्यों कह रहे हैं? कंपनी बंद भी तो हो सकती है. देखो जो कंपनी बंद होने वाली होती है ना, उसको आप गोइंग कंसर्न नहीं बल्कि नॉन गोइंग कंसर्न की तरह इवेल्युएट करते हैं. उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है वो उसकी मतलब एसेट्स वगैरह की मार्केट वैल्यू होती है कि आज अगर ये कंपनी बिक जाएगी क्योंकि बंद तो हो रही है, बिजनेस तो चल नहीं पा रहा, तो अगर ये बंद हो जाती है तो इसको कितने में खरीदा जाएगा, इसके एसेट्स को कितने में खरीदा जाएगा. मार्केट वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा एक ऐसी कंपनी पर अप्लाई होता है कि यार ये ताहयात चलती रहेगी, गोइंग कंसर्न कंपनी है. सो गोइंग कंसर्न के पर्सपेक्टिव से हम ये कहते हैं कि यार ये कॉन्स्टेंट डिविडेंड देगी इन परपेचुटी. सर परपेचुटी हमने क्यों कहा? यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि कंपनीज आर बेसिकली गोइंग कंसर्न बेसिस, ये चलती रहेंगी बारह. सो गोइंग कंसर्न की बेस के ऊपर डिविडेंड ये आता है. अब मैं क्या प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ? क्या मैं प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ ऑल द डिविडेंड्स? बिल्कुल सर आप कैलकुलेट कर सकते हैं. परपिचुटी की प्रेजेंट वैल्यू का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज बेसिकली डिविडेंड अपॉन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि के. तो मैं ये कह सकता हूं कि कांस्टेंट डिविडेंड के केस में मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, कांस्टेंट डिविडेंड के केस में मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी बराबर होता है डिविडेंड अपॉन के ई के.
बराबर होता है डिविडेंड अपॉन के ई के, सही है। कॉन्स्टेंट डिविडेंड के केस में आप किसी भी शेयर की मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं डिविडेंड अपॉन के ई से। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मुझे कहीं पर किसी स्टॉक की मार्केट वैल्यू दी हुई हो और मुझे उसकी के ई कैलकुलेट करनी हो तो मैं इस तरह से कर सकता हूं, के ई इज इक्वल्स टू डिविडेंड अपॉन मार्केट वैल्यू, डिविडेंड अपॉन मार्केट वैल्यू। ये भी एक रिलेशनशिप ड्रॉ किया जा सकता है, क्यों? जिंदगी भर जितना डिविडेंड मिल रहा है अगर मैं उसको आज की मार्केट वैल्यू से डिवाइड कर दूं तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी तक पहुंच जाऊंगा, और अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर दूं तो मार्केट वैल्यू तक पहुंच जाऊंगा। सर ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये फॉर्मूला किस तरीके से आया? देखो जिंदगी में जितनी अर्निंग्स मिलने वाली है वो सारी डिविडेंड्स की फॉर्म में है। अगर तुम डिविडेंड्स को के ई से डिवाइड कर दोगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर दोगे, तो तुम्हारे पास मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। सर ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहां से आती है? आपने ये तो बता दिया डिविडेंड कंपनी से आएगा, डिविडेंड की एक एक्सपेक्टेशन है कि भाई इतना डिविडेंड मिल जाएगा हर साल, कंपनी के हिसाब से कंपनी टू कंपनी ये वेरी करता है। मार्केट वैल्यू निकालने के लिए हम डिविडेंड को के ई से डिवाइड कर देंगे, लेकिन के ई कहां से आएगा? सर देखें के ई को निकालने का जो एक तरीका कार है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को निकालने का तरीका कार है, एक तो वो ये है कि आप के ई निकाल सकते हैं डिविडेंड अपॉन मार्केट वैल्यू, एक तरीका ये है। प्राइमरीली के ई को निकालने के आपके पास दो तीन तरीके होते हैं, एक है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ये मेथड हम थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे जब हम पोर्टफोलियो थ्योरी वाला एरिया स्टार्ट करेंगे तो ये पढ़ेंगे। दूसरा तरीका होता है डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, या जिसको आप कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल भी कहते हैं, कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सर ये यही मॉडल है, यहां पर डिविडेंड अपॉन मार्केट वैल्यू के इज इक्वल्स टू डिविडेंड अपॉन मार्केट वैल्यू, या मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू डिविडेंड अपॉन के। ये डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल ही है, इसमें हमने डिविडेंड को कांस्टेंट लिया हुआ है। एक तरीका होता है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल हम बेसिकली अभी अपने डिस्कशन में आगे अंडरस्टैंड करेंगे। सो हमने के ई को निकालने के तीन तरीके देखे, जिसमें से एक हम बाद में पढ़ेंगे, दो में से एक यहाँ पर लिखा हुआ है और तीसरा हम भी डिस्कस करने वाले हैं। यानी थोड़ा से कॉन्सेप्चुअली समझते हैं इसको, कॉन्सेप्चुअली मतलब क्या हुआ? कॉन्सेप्चुअली ये मतलब है कि एक स्टॉक की मार्केट वैल्यू का मतलब है, एक स्टॉक की मार्केट वैल्यू का मतलब है कि यार इसके तमाम डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू ले लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर डिविडेंड्स। जितने भी फ्यूचर में डिविडेंड्स आएंगे इनकी आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें तो आपके पास कंपनी की मार्केट वैल्यू बन जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है सर, आम जिंदगी में घर वगैरह को खरीदते हुए भी लोग क्या सोचते हैं? लोग ये सोचते हैं कि यार आगे ये कितने में सेल हो जाएगा, या इससे कितना रेंट आ जाएगा। जितना रेंट आएगा या जितने में सेल हो जाएगा, इस हिसाब से बहरहाल जो है वो उसकी मार्केट वैल्यू को कंप्यूट कर लिया जाता है और घर की मार्केट वैल्यू निकल आती है। सो बिल्कुल इसी तरीके से शेयर्स के केस में एक स्टॉक की मार्केट वैल्यू, एक स्टॉक की अगर आपको मार्केट वैल्यू कंप्यूट करनी है तो वो स्टॉक की मार्केट वैल्यू का क्या मतलब है? उसकी मार्केट वैल्यू का मतलब है आप तमाम डिविडेंड्स जो जिंदगी में आने वाले हैं उसको डिवाइड कर दें इसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। सर ये वही फॉर्मूला है जो परपिचुटी में हम इस्तेमाल करते थे, आर अपॉन आई। आपने अपनी अर्लियर स्टडीज में आर अपॉन आई पढ़ा होगा, जबकि आर एक कॉन्स्टेंट कैश फ्लो का नाम है और आई आपके डिस्काउंट रेट का नाम है। इसी तरीके से मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालते वक्त डिविडेंड कॉन्स्टेंट कैश फ्लो हैं कि जिंदगी भर मिलते रहेंगे एक गोइंग कंसर्न कंपनी के, और के ही इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जिससे आप इसको डिस्काउंट करके इसकी मार्केट वैल्यू को बहरहाल जो है वो कंप्यूट कर लेते हैं। सो डिविडेंड अपॉन की, और इसी का वाइस वर्सा अगर मैं के ही को लेफ्ट साइड पे ले जाऊं और मार्केट वैल्यू को डिनोमिनेटर में ले आऊं तो के ही इज इक्वल्स टू डिविडेंड अपॉन मार्केट वैल्यू, ये दो चीजें मेरे पास बन सकती हैं और इस तरीके से मैं इसको बहरहाल जो है वो कंप्यूट कर सकता हूं। थोड़ा सा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज मुझे कोई कहता है कि यार एमसीबी आपको जो है वो हंड्रेड रुपीज का डिविडेंड फॉर एवर दे देगा, ठीक है। और बैंकिंग के अंदर जो रेट ऑफ रिटर्न शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट करते हैं, यानी कि जिसको आप के ई कहते हैं, के ई जो एक्सपेक्ट की जाती है वो कितनी की जाती है जी? वो 13% की जाती है। सो एमसीबी की आज अगर मुझे मार्केट वैल्यू निकालनी है, मार्केट वैल्यू ऑफ एमसीबी, तो मैं सिंपल ये करूंगा कि उसकी जिंदगी भर के डिविडेंड अगर वो कॉन्स्टेंट है 100% डिविडेंड कंपनी दे रही है, तो मैं 100 रुपए को डिवाइड कर दूंगा 13% से। जब मैं 100 रुपए को 13% से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है? 100 डिवाइडेड बाय 13%,
100 डिवाइड बाय 13% बिकम्स 769। मैं इस वैल्यू पे इसको पे करने के लिए तैयार हूंगा, अदरवाइज मैं पे करने के लिए तैयार नहीं हूंगा। मैं कभी भी जो है वो उस पर अग्री नहीं करूंगा कि इससे ज्यादा वैल्यू मैं स्टॉक की दूं, क्योंकि मिलता जुलता रिटर्न जो 13% है वो यही है। टेक्निकली हमने किया क्या है, हमने तमाम के तमाम डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली है। हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू है ऑफ ऑल द डिविडेंड्स ऑफ द फ्यूचर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द डिविडेंड्स ऑफ द फ्यूचर। टेक्निकली हमने फ्यूचर के तमाम डिविडेंड्स को जो है वो यहाँ पे डिस्काउंट कर लिया। एक बात याद रखिए कि जो परपेचुटी का फॉर्मूला होता है, इसको कभी आप मैथमेटिकली ब्रेक करके देखें तो ये 29-30 साल की प्रेजेंट वैल्यू आपको यहाँ पे दे रहा होता है। 31वें साल का नंबर इतना प्रेजेंट वैल्यू में छोटा होता है कि वो जीरो के करीब होता है, तो ये 25-30 साल की आसपास की प्रेजेंट वैल्यू दे रहा होता है। इसके बाद का अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में जीरो के करीब आ चुका होता है, लेकिन बहरहाल यही एक जो है वो एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस है। इसी तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारे जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्मूला आ गए कि अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है आपने तो आप करें कॉन्स्टेंट डिविडेंड को पिक करें, कॉन्स्टेंट डिविडेंड डिवाइड बाय केई, और अगर आपको इसी फॉर्मूले में केई कैलकुलेट करना है कॉन्स्टेंट डिविडेंड के केस में तो आप कर लें डिविडेंड अपॉन मार्केट वैल्यू। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कॉन्स्टेंट डिविडेंड मॉडल, जो कि परपेचुटी के फॉर्मूले पे बेस्ड है। ये कहलाता है कॉन्स्टेंट डिविडेंड मॉडल, जो कि परपेचुटी के ऊपर बेस्ड है। लेकिन सर सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि आर डिविडेंड्स कॉन्स्टेंट फॉर द एंटायर लाइफ? क्या डिविडेंड सारी जिंदगी के लिए कॉन्स्टेंट रहते हैं, एक ही लेवल पे रहते हैं? नहीं जी, डिविडेंड का अमाउंट बदल सकता है। कंपनी आगे जाके प्रॉस्पर कर सकती है, सेल्स बढ़ सकती है, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा हो सकती है, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। यानी अगर मैं अपवर्ड ट्रेजिक्ट्री की बात करूं तो कंपनीज नॉर्मली वक्त के साथ साथ बेहतर होती चली जाती हैं, और जैसे जैसे वो बेहतर होती चली जाती हैं कंपनी ग्रो करती चली जाती है। यानी अगर मैं यहां पर देखूं, इफ द कंपनी गेट्स बेटर, अर्निंग्स गेट बेटर, अर्निंग्स एंड डिविडेंड्स गेट बेटर, अगर एक कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसकी अर्निंग और उसके डिविडेंड्स भी ज्यादा होंगे, वो ज्यादा कमाएगी और ज्यादा डिविडेंड प्रोवाइड करेगी। सो सर फ्यूचर में तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि फ्यूचर में जो डिविडेंड्स हैं द डिविडेंड्स विल ग्रो, ये जो डिविडेंड्स हैं ये ग्रो कर जाएंगे और हमें ओवरऑल लेवल पे फायदा होगा। यहाँ पे तो आपने एक एग्जाम्पल ले ली कि भाई एमसीबी सारी जिंदगी 100 रुपए डिविडेंड देगा, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है, कभी डिविडेंड कम होगा कभी ज्यादा होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, वहां पर हम अप्लाई करेंगे डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, वहां पे हम अप्लाई करेंगे डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। ग्रोइंग डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी सर? बिल्कुल इसी तरीके से निकलेगी जिस तरह ये आपके सामने है। आप मार्केट वैल्यू निकालेंगे इज इक्वल्स टू डी नॉट इंटू 1+g, इसको ग्रो करवाएंगे ग्रोथ से, डिवाइडेड बाय KE-G। सर ये क्या किया आपने, इसका क्या मतलब हुआ, ये किस तरीके से फॉर्मुलेट हुआ? देखो यहां पे डी नॉट का मतलब है लेटेस्ट डिविडेंड, जो बिल्कुल आखिरी डिविडेंड आपने पे किया है, ये डी नॉट है, ठीक है। और यहां पे ग्रोथ का मतलब है एक्सपेक्टेड ग्रोथ ऑफ फ्यूचर डिविडेंड्स। पाकिस्तान में जो कंपनीज की ग्रोथ परसेंटेज है, जिस तरह से एवरेज जो कंपनीज ग्रो करी हैं वो 16-17% के आसपास, 17-18% के आसपास की हैं। कुछ कंपनी ज्यादा ग्रो की हैं, जैसे लकी वगैरह, लकी सीमेंट ले लें आप, हाइनून फार्मास्यूटिकल्स ले लें आप, जो एंग्रो वगैरह ले लें, इनकी ग्रोथ परसेंटेज इससे ज्यादा होगी, कुछ की इससे कम होगी, लेकिन एवरेज बिजनेस पाकिस्तान में 15-16% 17% के आसपास ग्रो किया है, ना 10 से कम है और ना 20 से बहुत ज्यादा है। ओवरऑल लेवल पे 16-17% से आपके बिजनेसेस ने जो है वो पाकिस्तान के अंदर ग्रो किया है। लिस्टेड बिजनेसेस की बात कर रहा हूँ, जो कि बिल्कुल एक बेंचमार्क होते हैं किसी भी कंट्री का। आप इन बिजनेसेस को उठाएं, इनमें जो ग्रोथ एक्सपेक्ट की जाती है ईयर ऑन ईयर, इन बिजनेसेस के अंदर जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एक्सपेक्ट की जाती है वो यही 10-15% के आसपास जो है वो बहरहाल ग्रोथ होती है। तो अगर मुझे पता है कि यार एक डिविडेंड आगे कंपनी का
15% से ग्रो करने वाला है तो मैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा जो परपेचुटी से ही ड्राइव हुआ है, या आपकी सीक्वेंस एंड सीरीज की अर्लियर स्टडीज में इस तरह की कोई डेरिवेशन पढ़ाई गई होगी, लेकिन ये डेरिवेशन का बीएफडी में कोई काम नहीं है। फॉर्मूला किस तरीके से ड्राइव हुआ ये आपसे बहरहाल जो है वो कोई भी सवाल से नहीं पूछेगा, लेकिन अगर मैं कॉन्सेप्ट पर्सपेक्टिव से बात करूं तो ये क्या है, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर ग्रोइंग डिविडेंड्स, क्योंकि कंपनी का डिविडेंड वक्त के साथ साथ बढ़ता चला जाएगा, तो ये प्रेजेंट वैल्यू है फ्यूचर ग्रोइंग डिविडेंड्स की। और अगर इसी तरह से के ई निकालना हो तो इसी फॉर्मूले के ऊपर के ई निकालना हो तो, या थोड़ी सी जगह कम है हम इसको रब कर लेते हैं, मैं दोबारा लिख देता हूँ सर, अगर इसी फॉर्मूले को यूज करके के ई निकालना हो तो यहां पर देखिएगा, सो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू डी नॉट, डी नॉट इज द लेटेस्ट डिविडेंड इंटू वन प्लस जी, वन प्लस जी मतलब हमने उसको ग्रो करवा दिया, अपॉन के ई माइनस जी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना हो इसी तरीके से, सो सर हमारे पास के ई माइनस जी का कॉम्पोनेंट लेफ्ट पे चला जाएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का कॉम्पोनेंट डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और फिर जो यहाँ पे माइनस जी होगा वो यहाँ पे आके प्लस जी हो जाएगा। सो ये फॉर्मूला बन जाएगा के ई इज इक्वल्स टू डी नॉट इंटू वन प्लस जी अपॉन मार्केट वैल्यू प्लस जी, मार्केट वैल्यू प्लस जी। यहाँ पर इस तरीके से सूरत हाल फॉर्मूला की बन जाएगी, यानी अगर एक कंपनी का डिविडेंड ग्रोइंग है और उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन है तो हम मार्केट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और अगर हमें मार्केट वैल्यू गिवन है सवाल के अंदर तो हम उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी को भी जो है बाहर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने ग्रोइंग डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू निकाली है उसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिस्काउंट करके। कॉस्ट ऑफ इक्विटी किस किस तरह से निकलता है, एक कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से जो हमने बाद में पढ़ना है, और एक इसी तरीके से जो इस फॉर्मूले से हमने बाहर जो है निकाला है। सही तरीका और वेल नोन तरीका कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करने का CAPM यानी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है जो हम बाद में पढ़ेंगे। सो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से ये KE कैलकुलेट होती है, और KE की मदद से फिर आप बहरहाल जो है वो मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, जो KE का कंपोनेंट है इसकी मदद से मार्केट वैल्यू कैलकुलेट होता है। ऑल्टरनेटिवली सवाल में अगर मार्केट वैल्यू गिवेन हो तो फिर आप ये KE का कंपोनेंट यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सर इसकी कोई मैथमेटिकल एग्जाम्पल आए अभी डिस्कस कर लेते हैं। सर इस फॉर्मूले की अगर मैं मैथमेटिकल एग्जाम्पल लू, सो फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस कंपनी ऑफ लेट्स से हाई नून फार्मा, फार्मास्यूटिकल सेक्टर की ये कंपनी है, और इसके बारे में मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है, लेट्स टेक बॉल पार्क नंबर्स ओनली, एक्चुअल कंपनी का नाम है लेकिन मैं एक्चुअल नंबर्स नहीं पिकअप कर रहा। मान लीजिए इसका जो लेटेस्ट डिविडेंड है, जो अभी आखिरी डिविडेंड इसने पे किया है, इस कंपनी ने जो लेटेस्ट डिविडेंड पे किया है लास्ट, वो लेट्स से किया है रुपीज 18, 18 रुपए का डिविडेंड पे किया है, और फ्यूचर में इस डिविडेंड के अंदर जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड है वो तकरीबन 10% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। फार्मा में मिलती जुलती कंपनीज का जो रिटर्न है जो शेयर होल्डर्स को मिल रहा है वो करीब करीब 15% मिल रहा है, ठीक है, वो करीब करीब 15% मिल रहा है, और आपसे ये कहा जा रहा है कि भाई आप इस स्टॉक की मार्केट वैल्यू निकाल दें, मार्केट वैल्यू निकाल दें। सो बड़ा सिंपल है, मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू लेटेस्ट डिविडेंड इनटू 1 प्लस ग्रोथ डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी, यानी यहाँ पे मार्केट वैल्यू निकल आएगी डी नॉट, डी नॉट है हमारा 18 रुपए इंटू 1 प्लस 10% हमारा के ई है, 10% ग्रोथ ले लेते हैं, 10% अपॉन 15% माइनस 10%। तो आई जी जरा इसकी मार्केट वैल्यू पिकअप करते हैं सर, 18 इंटू 1 प्लस 0.10 डिवाइडेड बाय 0.15 यानी 15% माइनस 10%, हेंस इट बिकम्स 396 की मार्केट वैल्यू, यानी आज स्टॉक मार्केट में इस स्टॉक की वैल्यू 396 होनी चाहिए, इससे ज्यादा बहरहाल जो है वो नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा में ये शेयर ट्रेड कर रहा है, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ द शेयर इज ट्रेडिंग फॉर एन अमाउंट ऑफ लेट्स से 450, तो हम ये कहेंगे कि ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है, हम ये कहेंगे कि भाई ये जो स्टॉक है दिस इज ओवर वैल्यूड, इट शुड कम डाउन टू 396। और अगर यही शेयर आपके पास ट्रेड कर रहा है लेट्स से 350 में, तो हम कहेंगे 396 रुपए का स्टॉक 350 में ट्रेड कर रहा है, दैट मीन्स ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है, और इसे वक्त के साथ साथ जो है वो ऊपर आना चाहिए, इसमें एक रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि भाई
यूनिटी फूड्स, मैंने आपसे कहा कि यार यूनिटी फूड्स की जो मार्केट वैल्यू है इस वक्त वो चल रही है 40 रुपीज, और यूनिटी फूड्स जो हर साल डिविडेंड देता है वो तकरीबन एट द सेम टाइम आपके पास दे देता है अराउंड 8 रुपीज का, 8 रुपए का डिविडेंड दे देता है, 40 रुपए के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। और आपको जो है वो यहाँ पे फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, लेकिन जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड है वो 4% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, 4% से ग्रो करेगा। तो आप कहेंगे कोई मसला नहीं है, के इज इक्वल्स टू हमारा मॉडल है लेटेस्ट डिविडेंड इंटू 1+G अपॉन मार्केट वैल्यू प्लस जी। यूनिटी फूड्स ने जो लेटेस्ट डिविडेंड दिया है वो 8 रुपए दिया है, आगे एक्सपेक्टेशन है कि ये 4% से ग्रो करेगा, अभी ये 40 रुपए के आसपास चल रहा है, तो इसमें आप 4% की ग्रोथ यहाँ पे ऐड करें तो आपके पास ओवरऑल लेवल पे एक वैल्यू निकल के आ जाएगी 8 × 1+0.04 / 40+0.04 मल्टीप्लाई बाय 100, 24.8%, 24.8% हमारी मार्केट वैल्यू बन जाएगी यूनिटी फूड्स के स्टॉक की, मार्केट वैल्यू बन जाएगी इक्विटी की, या हमारी इक्विटी की बैरल जो है वो मार्केट वैल्यू बन गई। अगर ये स्टॉक का 40 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, इसका मतलब शेयर होल्डर्स इस ग्रोथ से और इस डिविडेंड से सेटिस्फाइड है। अगर 40 रुपए पे उनकी वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी मीट नहीं हो रही होती तो उससे नीचे ले आते हैं, इसको बेच के, शेयर्स को बेच के अपनी असल वैल्यू पे ले आते हैं। 24.8% इसका रिक्वायर्ड रिटर्न है और शेयर होल्डर्स इस रिटर्न में खुश हैं, तभी वो 40 रुपए पे इसको ट्रेड होने दे रहे हैं। खैर ये बहुत ज्यादा टेक्निकल गुफ्तगु हो जाएगी, अगर शेयर्स की ट्रेडिंग वगैरह के हवाले से ये बात नहीं भी समझ आती तो कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन आप ये जरूर जहन में रखें कि ये जो मार्केट वैल्यू, ये जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने का तरीका है, ये हमने किससे ड्राइव किया है, ये हमने लेटेस्ट डिविडेंड ग्रोथ और कंपनी की एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू से किया है, ये इसी मॉडल का जो है वो एक तरीके से नेमुल बदल है। सो यहाँ पे हमने डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल और डिविडेंड ग्रोथ मॉडल दोनों के बारे में बात की। आई मैं एक दफा दोनों का फॉर्मूला साथ में लिख देता हूं ताकि हमें जो है मजीद क्लियर हो जाए। ऑल राइट, सो व्हाट इज डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल या कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल? डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल और कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल, सर इसके अंदर कांस्टेंट डिविडेंड और 100% कंपनी जो है वो पे आउट कर देती है, सारा पे कर देती है। इस सूरत हाल में अगर मार्केट वैल्यू निकालनी है तो वो होगी डिविडेंड अपॉन के, और अगर के ही कैलकुलेट करनी है तो वो होगा डिविडेंड अपॉन मार्केट वैल्यू, और इसी तरीके से दूसरा हमने पढ़ा डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में क्या होगा सर? इसी मार्केट वैल्यू को लेटेस्ट डिविडेंड पिक करेंगे, जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। टेक्निकली जब आप ग्रोथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप अगले साल का डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं अपॉन के ई माइनस जी, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। और अगर इसी तरीके से मुझे के ई कैलकुलेट करना है तो लेटेस्ट डिविडेंड इंटू 1+G अपॉन मार्केट वैल्यू प्लस जी। ये इस तरीके से जो है वो ओवरऑल लेवल पे हमारे पास दोनों मॉडल्स जो है वो मौजूद हैं, दोनों मॉडल्स जो है वो मौजूद है। सवाल ये पैदा होता है, नाउ द क्वेश्चन दैट अराइजेस, हाउ इज दिस ग्रोथ कैलकुलेटेड? अब हम अपने अगले पहलू की तरफ चले गए कि भाई ये सब तो आपने बता दिया, लेकिन अब ये बताएं कि ये ग्रोथ को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस ग्रोथ को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। हमें ये समझ आ गया कि मार्केट वैल्यू कैसे निकल रही है, हमें ये पता है कि डिविडेंड सवाल में दिया हुआ होगा, हमें ये पता है कि केई कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या चीज है, लेकिन जो ये ग्रोथ वाला एस्पेक्ट है, यहाँ पे ग्रोथ इस्तेमाल हो रही है, यहाँ पे ग्रोथ इस्तेमाल हो रही है, यहाँ पे ग्रोथ इस्तेमाल हो रही है, दिस इज द फोर्थ प्लेस जहाँ पे ग्रोथ इस्तेमाल हो रही है, तो ये ग्रोथ का फॉर्मूला या ये ग्रोथ का एस्पेक्ट बहरहाल जो है वो कैसे कवर होगा। तो अब आए हम ग्रोथ के एस्पेक्ट को समझने की जो है वो बहरहाल कोशिश करते हैं कि ग्रोथ किस तरीके से कैलकुलेट होती है।